मध्य प्रदेश के इंदौर में बीच चौराहे पर अपने डांसिंग मूव्स दिखाने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि एमटीवी के रियलिटी शो रोडीज रेवोल्यूशन की कंटेस्टेंट श्रेया कालरा है। रसोमा चौराहे पर श्रेया कालरा के डांस करने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। वायरल वीडियो होने के बाद अब सरकार श्रेया कालरा पर एक्शन लेने की तैयारी में है। श्रेया कालरा पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद इंदौर पुलिस ने मॉडल के खिलाफ मोटर व्हील एक्ट के उल्लंघन का मामला दर्ज कर लिया है। मेरे ध्यान में ये विषय आया है और ये जो उन्होंने किया है, भाव उनका जो भी हो, पर तरीका गलत था और मैं निर्देशित करूंगा कि इन पर मोटर यान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाना चाहिए, जिससे ये परंपरा आगे न बढ़े और ज्यादा विकसित। हालांकि इस मामले में मॉडल श्रेया कालरा ने अपना स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि मैंने लोगों में ट्रैफिक रूल्स के प्रति अवेयरनेस के लिए जेब्रा क्रॉसिंग पर डांस किया था, मैंने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। श्रेया ने अपने वीडियो के लिए सॉरी नहीं बोला बल्कि दलीलें दी कि इस प्रकार अचानक ट्रैफिक के बीच में आकर डांस करके उन्होंने कोई गलती नहीं की है। फिलहाल जो भी हो, लेकिन श्रेया कालरा के इस डांस पर सोशल मीडिया पर तरह तरह के मिक्स्ड कमेंट्स आ रहे हैं। न्यूज डेस्क।